वेलकम बैक, आप देख रहे टी मनी मनो, अपना फाइनेंस मिनिस्टर मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो को आगे बढ़ाते हैं, हमारे दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल और अमित कुकरेजा एडवाइजरी के फाउंडर अमित कुकरेजा भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। दर्शकों के सवाल हम शो में लेंगे ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं आज मल्टी एसेट फंड्स की, क्योंकि एम्फी के डेटा के मुताबिक जो ताज़ा डेटा आया है उसमें मल्टी एसेट फंड्स में एलोकेशन या इनफ्लो की अगर हम बात करें वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या होते हैं मल्टी एसेट फंड और क्यों बाज़ार के उतार चढ़ाव में हम देख रहे हैं कि निवेशकों का जो रुझान है उसमें बढ़ा है, यानी मल्टी एसेट फंड्स में बढ़ा है, इसी की बारीकी में हम जाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या आपको भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए और किस तरह का फ़ायदा एक निवेशक को मिल सकता है, खासतौर से डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि ये शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा, हर एक्सपर्ट के मुंह से सुना होगा कि एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में आप ज़रूर लागू करें। क्या वाकई जो डाइवर्सिफिकेशन की चाहत है वो आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के जरिए मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसी पर बात करते हैं। तो पंकज जी, आसान भाषा में मल्टी एसेट फंड्स के बारे में हमको बताएं, क्योंकि इनको लॉन्च हुए बहुत समय नहीं हुआ है, ये हाल ही में हम देख रहे हैं 2 से 3 सालों में अचानक से AMCs ने लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। और पते की बात तो ये है कि एम्फी के डेटा के अनुसार डेटा कम से कम कह रहा है कि इनफ्लोज बढ़ रहे हैं और निवेशकों को ये पसंद भी आ रहे हैं। बिल्कुल कविता, गुड इवनिंग। आपने शुरुआत ही यहाँ से की है कि असेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन, तो ये जो कैटेगरी है मल्टी असेट एलोकेशन फंड, ये बेसिकली आपको दोनों ही फैसिलिटीज देती है, यानी कि आप एक ही फंड में निवेश करके असेट एलोकेशन अक्रॉस द असेट क्लासेस कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर फ्लेक्सीबिलिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है। अब क्योंकि एक पोर्टफोलियो की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें एसेट एलोकेशन हो, और यहाँ पर क्या है सेबी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो टोटल असेट होता है एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड का, उसका मिनिमम 10% इक्विटी में, 10% डेट में और 10% कमोडिटी में इन्वेस्ट करना होता है। तो इक्विटी, डेट, गोल्ड ये तो है ही, बाकी अभी बहुत सारे फंड्स ने सेबी से परमिशन ली हुई है सिल्वर में भी इन्वेस्ट करने के लिए, इवन REITs में इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो एक ही फंड में आपको इक्विटी, डेट, कमोडिटीज सभी का एलोकेशन मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि 10-10% की कंडीशन है कि मिनिमम 10% एलोकेशन होना चाहिए तीन असेट्स में, लेकिन अब जो बाकी बचाओ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास कि अगर उनको लगता है कि इक्विटी में ज्यादा पोटेंशियल है या जो समय है वो इक्विटी के अनुकूल है या फिर डेट के लिए बेटर है तो उसका फायदा उठाया जा सकता है, तो ये भी एक बेनिफिट होता है। अब कई बार इन्वेस्टर ये भी कह सकते हैं कि हम अपने आप भी इक्विटी, डेट और गोल्ड, सिल्वर सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं, लेकिन एक तो ये पता नहीं होता है कि कौन सा एसेट क्लास कब बेटर परफॉर्म करेगा, दूसरे एसेट क्लास को आउट परफॉर्म करेगा, तो यहां पर क्या है आपको एक्सपर्ट की मदद से ये एलोकेशन होता है तो उसका फायदा मिलता है। दूसरी बात यह, खुद करेंगे तो वहां पर एग्जिट लोड, कैपिटल गेन टैक्स वो भी हो सकता है कि आपने पहले ज्यादा इक्विटी में किया, अब वहां से आप डेट में आना चाहते हैं तो यहां पर आपको कैपिटल गेन टैक्स, वेदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जैसा भी समय होगा वो एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन जब विद इन द स्कीम ये एक साथ है तो वहां पर स्कीम में चेंजेस हो रहे हैं लेकिन आपको उसका फर्क नहीं पड़ता जब तक आप रिडीम नहीं कर रहे हैं स्कीम को, तो वो एक बेनिफिट है। तो इसके लिए ये स्कीम, ये कैटेगरी बहुत ही अच्छी कैटेगरी है और एक ही फंड में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स को इसका बेनिफिट मिलता है और थोड़ी स्कीम पॉपुलर हो रही है कैटेगरी, अब नए और भी इसमें फंड्स आ रहे हैं जिन AMCs के पास कैटेगरी नहीं थी वो भी लॉन्च कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चॉइस है और इन्वेस्टर्स को इसका फायदा उठाना चाहिए। अमित, ये समझाए कि इस तरह के फंड में एक फंड मैनेजर का कामकाज कैसे डायरेक्ट होता है, क्योंकि इक्विटी या अगर हम नॉर्मली अगर फंड्स को देखें तो एक फंड मैनेजर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि तमाम तरह के एसेट क्लासेस की बात कर रहे हैं तो क्या वो तमाम एसेट क्लासेस एक ही फंड मैनेजर के अधीन आते हैं या अलग अलग फंड मैनेजर्स होते हैं? अभी तक हम देखते आए हैं कि इक्विटी, डेट, गोल्ड या मैक्स टू मैक्स कमोडिटीज़ ही हिस्सा बन पाए हैं मल्टी एसेट फंड्स का। किस तरह से ये फंड कामकाज करते हैं एक फंड मैनेजर के नजरिए से हमको समझाएं। श्योर, देखिए कविता, जो इन्वेस्टर सब कुछ इकट्ठा करना चाहता है लेकिन एफर्ट
किसी का भी नहीं डालना चाहता, उसको एक कन्वीनियंस चाहिए, तो उस इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही सूटेबल प्रोडक्ट है मल्टी एसेट फंड। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है कि जब हम आप अपना आउटसोर्स कर रहे हैं द एफर्ट ऑफ पुटिंग ऑल दिस टुगेदर इनटू मल्टीपल एसेट्स, तो जो टीम उसको इनवर्ड ले रही है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उनके लिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो ये इवन दो कि फंड मैनेजर का एक या दो नाम होते हैं, ये पूरी फंड मैनेजमेंट में एक टीम होती है जिनका जॉब कुछ टाइमिंग से रिलेटेड होता है, कुछ राइट टाइम टू असेस द इंटरेस्ट रेट साइकिल होता है, कुछ टाइम टू असेस द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ग्लोबली एज वेल एज नेशनली होता है, ताकि वो एक कॉल ले सकें कि गोल्ड किस डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, फिक्स्ड इनकम किस डायरेक्शन में जाएगा, और उसका एक राइट अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बना के रखते हैं कि इस फंड में अब हम इस लेवल पे अल्फा क्रिएट कर सकते हैं। तो फंड मैनेजर का टास्क जितना ये इन्वेस्टर की कन्वीनियंस क्रिएट करता है, उतना ही ये फंड मैनेजमेंट टीम के लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है, क्योंकि उनके लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। कोई भी एक अच्छा लॉन्ग सर्विस फंड आप देख लें जो पिछले 7 साल से या 5 साल से परफॉर्म कर रहा है, तो उन्होंने इजीली 12-13% की रिटर्न दी है ऑन एन एवरेज एट अ कंजर्वेटिव लेवल। मतलब 20% भी है, 17% भी है, 15% भी है, इतने अच्छे रिटर्न्स डिस्पाइट वॉलिटिलिटी अक्रॉस द कलेक्शन ऑफ एसेट क्लास देना एक आउटस्टैंडिंग जॉब होता है। तो फंड मैनेजमेंट के लिए staying on top of macroeconomic factors, global, national, बहुत जरूरी होता है, trying to take care of the market cycles and consistently create alpha across 4 or 5 asset classes, gold भी, commodities भी, fixed income भी, equity भी, और cash और cash के equivalent में कितना cash में रखना है, कितना किस asset class में पैसा लगाना है, ये एक complex मार्केट सिचुएशन को टैकल करते हुए, अल्फा जनरेट करते हुए, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को जनरेट करते हुए, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टास्क होता है, और फंड मैनेजमेंट टीम इसमें बहुत ही मैच्योर और अपनी एक्सपर्टीज के साथ जब परफॉर्म करती है तभी ये कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे पाते। तो पंकज जी ये बताएं कि अमूमन हम निवेशकों को कहते हैं कि पोर्टफोलियो लेवल पर ही आपको अच्छे से डाइवर्सिफाई होना चाहिए, तो पोर्टफोलियो लेवल पर भी आप डाइवर्सिफाइड हैं और इस तरह से आप मल्टी एसेट फंड को भी पोर्टफोलियो में रखते हैं, किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करें? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि ऐसे निवेशक जो कि शुरुआत कर रहे हैं उनके पास बहुत सारे फंड नहीं हैं, तो उनके लिए तो ये अच्छी चॉइस है ही कि एक स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया और आपको एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिला। अब ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास सब कुछ है, मान लीजिए आपने इक्विटी भी किया हुआ है, डेट में भी है, गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि आप अपने हिसाब से उसको रीबैलेंस नहीं कर पाते, सही समय पर रीबैलेंस कर पाना पोर्टफोलियो को कि कब उस एसेट क्लास के लिए सही समय आएगा, वो हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं जो आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट मिल सकता है। जैसे हम फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं, फ्लेक्सी कैप काफी पॉपुलर हो गया है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होने के साथ साथ यदि फ्लेक्सी कैप हो तो उसमें आपको फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का फायदा मिलेगा कि कौन से मार्केट कैप में आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो एसेट क्लासेस में कहाँ पर ज्यादा निवेश होना चाहिए, कहाँ पर कम होना चाहिए, ये फंड मैनेजर तय करते हैं जिसका इन्वेस्टर्स को फायदा मिलता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से हर निवेशक, इवन अगर आपके पास में वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, फिर भी आप छोटा सा एलोकेशन इसमें कर सकते हैं, ताकि आपको जो एक्सपर्ट्स की जो का जो एलोकेशन होगा उसका आपको बेनिफिट मिल पाएगा। तो अमित, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक निवेशक को किस समय पर इस तरह के फंड्स की ओर अपना रुझान बढ़ाना चाहिए, क्योंकि निवेशक देखिए अगर AMCs ये कहकर बेचती हैं कि ये एक ऐसा फंड है जहाँ पर आपको इक्विटी का एक्सपोजर मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा, सोना भी मिल जाएगा, तो ये काफ़ी लुभावना एक निवेशक को लग सकता है ना? किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में प्लेसमेंट इसकी देनी चाहिए? काफ़ी हद तक पंकज जी ने इसका जवाब दिया कि डाइवर्सिफिकेशन आपको सही तरीके से समझना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक ऑलरेडी बेस पोर्टफोलियो बना हुआ है, क्या उसके बाद एक मल्टी एसेट फंड ज़रूरी ही है क्या? अगर मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छे से निवेशित हूँ, सोने में भी पैसा पड़ा हुआ है, डेट का भी कुछ कंपोनेंट है, तो क्या हम स्किप कर सकते हैं इस तरह के फंड को? देखिए कविता, ये बहुत ही पर्सनल ओपिनियन होता है, तो मेरे हिसाब से अगर आप
अलग अलग एसेट क्लासेस को सेपरेटली एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं तो ये फंड आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने लेवल पे मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे कि आप गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू ही रखना चाहते हैं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पे आउट होता है, जैसे कि आप एक अच्छा डेट फंड का पोर्टफोलियो सेपरेट रखना चाहते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी से और जो इंटरेस्ट साइकिल और ड्यूरेशन से जो चेंजेस आते हैं उसका अल्फा क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप सेपरेटली एक डेट फंड का पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं। अगर आप मल्टी कैप या लार्ज कैप या मिड कैप का एक सेपरेट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप सेपरेटली तीन अलग अलग एसेट क्लासेस के पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो फिर इस फंड का कोई रेलेवेंस नहीं है। ये फंड उन लोगों के लिए जिनको मैं अगर कह सकता हूँ लेजी इन्वेस्टर, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी लेकिन हमें चाहिए सब कुछ, हमें गोल्ड का भी एक्सपोजर चाहिए, फिक्स्ड इनकम का भी चाहिए, इक्विटी का भी चाहिए और हमें 11-12% का एनुअलाइज रिटर्न चाहिए, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बहुत कॉस्ट एफिशिएंट भी है और ये बहुत टैक्स एफिशिएंट भी है। तो अगर ये तीन चार चीजें हैं और आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी का एसेट एक्सपोजर रखने का शौक नहीं है, आप बोलते हैं एक ही फंड से मैं खुश हूं, फाइनेंशियल एसेट एट द एंड ऑफ द डे है तो फाइनेंशियल एसेट ही लेकिन अंडरलाइंग एलोकेशन डिफरेंट है और मुझे अच्छा 11-12% का रिटर्न मिल रहा है, मेरा ओवरहेड कम होता है, मेरी कॉस्ट ऑप्टिमाइज होती है और मेरे रिटर्न 12% से ज्यादा होते हैं और मुझे सिर्फ एक या दो फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिनकी दिलचस्पी इक्विटी मार्केट को ट्रैक करके अलग अलग मार्केट कैप वाले स्टॉक्स के थ्रू अल्फा बनाना है थ्रू अ म्यूचुअल फंड, या फिक्स्ड इनकम साइकिल को अलग से ट्रैक करके उसमें अल्फा बनाना है, या गोल्ड से कंटिन्यूअस इंटरेस्ट इनकम चाहिए थ्रू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, उनके लिए ये जो मिक्स कैटेगरी को सेपरेटली ट्रैक करना चाहते हैं उनके लिए ये फंड सूटेबल है। चलिए तो मल्टी एसेट फंड पे विस्तार से हमने काफ़ी बात कर ली, लेकिन अब हमारे दर्शकों की ओर रुख करते हैं, उनके सवालों की ओर रुख करते हैं क्योंकि वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ठाणे से सुकांतु हैं जो कि पंकज जी से सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार सुकांतु जी, कैसे हैं? या नमस्कार मैम, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। बताएं सर, आपने अपना सवाल हमें भेजा, मैम आई थिंक मेरा पोर्टफोलियो आपके पास है, ठीक है? जी जी, मेरा दो क्वेश्चन है। एक है मेरा अभी पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रोक्स 1.12 करोड़, ठीक है? मेरे को मेरा टारगेट है 2027 में अराउंड 3.5 करोड़, इंक्लूडिंग दिस, इसको जोड़ के 1.12 करके, ठीक है? अभी मेरा अच्छा, तो अभी मेरे पास ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मेरा जो SIP चल रहा है, दैट इज शुड आई कंटिन्यू और नॉट। थर्डली मेरे पास जो अराउंड 10 लाख का लमसम पड़ा है, मैं यही फंड जो फंड अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करूं थ्रू STP, बस यही मेरा क्वेश्चन है। सर सुकांतु जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपने अभी इतना इकट्ठा कर लिया है, 1 करोड़ के पार आपने इकट्ठा कर लिया है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन क्योंकि आप हमारे शो पे आपने सवाल भेजा है, तो मैं चाहती हूँ कि आपने जो कॉर्पस इकट्ठा किया है उसकी रणनीति थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। कब से निवेश कर रहे हैं जो फंड्स पोर्टफोलियो में? मैं ये निवेश कर रहा हूँ अराउंड 2017 से, ठीक है? अच्छा, हाँ 2017 से। एंड माय प्लानिंग एट प्रेजेंट आई एम अराउंड 55 रनिंग, ओके? तो 2027 मेरा फुल एंड मैं रिटायर होना चाहता हूँ आगे, और इवन दो आई कैन वर्क बट मैं नहीं करने वाला हूँ। तो मेरा अदर्स इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड से मेरा माय टारगेट इज 3.5 करोड़। चलिए बहुत मुबारकबाद, और अच्छा लगता है जब आप जैसे निवेशक डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासित तरीके से निवेश करते हैं और लक्ष्य बांधते हैं, उसका फायदा नथिंग एल्स। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप मेरे ख्याल से सही शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, कंपाउंडिंग बेनिफिट, जो कि निवेशकों को समझना ज़रूरी है और बहुत धीरज रखना पड़ता है इसके फायदे सामने आने के लिए। पंकज जी, जी सुकांतो जी, देखिए आपके पास 1.12 करोड़ रुपए ऑलरेडी इकट्ठा हो गए हैं और साथ में आप 1,25,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं, तो यदि मैं 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम करूं तो अगले 4 साल में, क्योंकि आप 4 साल का एक टाइम लेकर चल रहे हैं, तो आपके पास लगभग 2.53 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 12% के हिसाब से, तो थोड़ा सा आप दूर हैं। यदि आप 3.5 करोड़ की बात कर रहे हैं 4 साल में, अब एक वजह यह भी है कि आपने कहा 55 इयर्स की एज है और आप 27
आप अगले 27 में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब 4 साल आपके पास में है ये पूंजी जुटाने के लिए, तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव पोर्टफोलियो भी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना मैं सजेस्ट करूंगा आपको। तो ऐसे में यदि आप इसी हिसाब से चलते हैं तो, और 3.5 करोड़ रुपया आपको इकट्ठा करना है, तो आपको काफी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। करीब करीब यदि आप 1.25 लाख की जगह इसको डबल करें तब जाके ये अमाउंट इकट्ठा हो सकता है, यानी 2.5 लाख पर मंथ की SIP। तो मुझे पता नहीं वो करना कितना आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन यदि नहीं है तो दो चीजें हैं, या तो थोड़ा समय आपको बढ़ाना पड़ेगा, 1-2 साल और दीजिए, थोड़ा पैसा और बढ़ जाएगा, और अदरवाइज मेरे हिसाब से जितनी पूंजी जुटाई है आपने वो भी कम नहीं है। आप देखिए उसमें से कैसे आपका प्लान हो सकता है कि आप रेगुलर इनकम वहां से पा सकें, क्योंकि ज्यादा अगर ये सोच के कि नहीं 3.5 करोड़ ही करना है इतने समय में, और आप ज्यादा रिस्क लेने पर आगे बढ़ेंगे तो वो नुकसानदायक भी हो सकता है। दूसरी बात ये, जहां तक स्कीम्स का सवाल है, यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में यदि आप स्कीम, वैसे तो स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन यदि आप बढ़ाते हैं इसमें अपना निवेश को, तो मेरी राय ये होगी कि आप प्योर इक्विटी फंड्स में या अग्रेसिव फंड्स में ना जाएं, इसके बजाय हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर होगा। आपके पास ऑलरेडी ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो कि एक डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड है, उसमें आप SIP अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, लमसम में भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे असेट लार्ज कैप फंड है, उसमें भी आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसमें भी आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ये राय होगी आपके लिए, लेकिन बस जैसा मैंने कहा कि समय बहुत लंबा नहीं है आपके जो गोल को अचीव करने के लिए, तो थोड़ा सा आपको बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू सुकांतो जी। कोई सवाल पूछना है आपने पंकज जी से? हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। मैडम, मैं अभी पंकज सर जिन्होंने बताया जो 10 लाख मेरा जो STP थ्रू प्लान है, तो पंकज सर ने बोला MA लार्ज कैप, ICICI बैलेंस एडवांटेज मेरा एंड एग्जिट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्लस ICICI डेट एंड इक्विटी, ये चारों में मैं 2.5 लाख ईच STP कर सकता हूँ ना? हाँ जी, ओके, करेक्ट। जो आप स्कीम बता रहे हैं इनमें ही कीजिए, इसके अलावा बाकी स्कीम्स में ना करें, ये बैलेंस्ड स्कीम है, ये सही रहेंगे आपके लिए। ऑल द बेस्ट सुकांतो जी। झटपट अगला सवाल, कैलाश शर्मा फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्ते मैडम, कैसे हैं सर आप? बढ़िया है मैडम। जयपुर से बोल रहे हैं सर, ठंड तो बहुत होगी वहाँ पर? हाँ बहुत ठंड है मैडम, जयपुर गाँव से हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए सर, बच्चे की शादी के लिए आपको निवेश करना है? हाँ मैडम, मेरे को 5 साल में 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो इसके लिए मैं कौन सी महीने की कौन सी SIP करूँ, कितने रुपए वाली करूँ, ये मेरे को पूछना था मैडम। कितना कर पाएंगे फिलहाल आप? हाँ वो तो आप राय बताओ मैडम भाई, मेरे को 10 लाख की 5 साल में जरूरत है, तो मैं महीने की कितने रुपए से स्टार्ट SIP करूँ, किस फंड में करूँ? ठीक, अमित बताएं। देखिए कैलाश जी, आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सजेशन दूंगा, 5 साल ज्यादा लंबा समय नहीं है, तो आप एक अच्छी कैटेगरी होती है बैलेंस्ड एडवांटेज, आप बैलेंस एडवांटेज में 13,285 रुपए का अगर आप SIP करेंगे तो आप अपना गोल 5 साल में 10 लाख रुपए बनाने का अचीव कर सकते हैं। इसमें मैंने 9% की रिटर्न एज्यूम की हुई है जो कि पॉसिबल है। इस फंड में, इस कैटेगरी में ये फायदा होता है कि फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि कितना एलोकेशन फिक्स्ड इनकम में रखना है, कितना इक्विटी में रखना है, और आपके लिए जो ओवरहेड होता है ट्रैकिंग का कि इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का जो बैलेंस बना के रखना है बेस्ड ऑन मार्केट सिचुएशन, वो ओवरहेड बिल्कुल निल हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है। तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड में, ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड हुआ, या HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड हुआ, या कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड हुआ, कोई भी एक या दो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में से स्कीम्स चूज कीजिए और 13,300 रुपए की SIP शुरू कीजिए, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे 5 साल में। कैलाश जी, कोई सवाल पूछना है आपने अमित से? बस सर, मैडम यही पूछना था। ऑल द बेस्ट।
शो को आगे बढ़ाते हैं, निवेश गुरु मंत्री की ओर रुख करते हैं। पंकज जी बताएं आपका निवेशक गुरु मंत्र क्या है आज का? कविता, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव करें और जो प्रेजेंट लाइफ है उसको भी एंजॉय कर सकें। अक्सर होता यह है कि जब फाइनेंशियल प्लानिंग वर्ड्स आता है तो कई बार कुछ इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल प्लानिंग को इन्वेस्टमेंट प्लानिंग समझ लेते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। अब जब प्लान करेंगे फ्यूचर का, आपको पता होगा कि मुझे कितनी जरूरत है फ्यूचर के लिए, तो आप ये भी करेंगे कि प्रेजेंट के लिए पैसा बचा पाएंगे और खर्च भी करेंगे। अदरवाइज ऐसा होता है, कई बार हम देखते हैं कि 60 इयर्स की एज में या उस वक्त पर लगभग, मतलब इतना पैसा लोगों के पास होता है और उस वक्त सोचते हैं कि हमने अपनी जिंदगी जी नहीं क्योंकि प्लानिंग नहीं की थी। तो मेरा मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ही नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग बराबर से कीजिए ताकि आप प्रेजेंट को भी एंजॉय कर सकें और फ्यूचर में जितनी जरूरत है उतना ही पैसा आपके पास हो, बहुत ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। अमित, देखिए मैंने पंकज जी को सुना और मैं पंकज जी की कही हुई बात में एक छोटा सा एक्सटेंशन डालना चाहूंगा, वो है इन्फ्लेशन प्लानिंग। लेकिन इन्फ्लेशन प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पंकज जी की दी हुई एडवाइस को इग्नोर करें। मेरा निवेश का गुरु मंत्र ये है कि जब लोग बोलते हैं हमें शादी के लिए 10 लाख चाहिए, रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ चाहिए, एजुकेशन के लिए 25 लाख चाहिए, मैरिज के लिए 40 लाख चाहिए, तो वो जो लोग क्वेरी लेके आते हैं वो प्रेजेंट की जो कॉस्ट है उससे रिलेटेड क्वेरी होती है। लेकिन मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को और क्लाइंट्स को ये एडवाइस करूंगा कि अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना ना भूलें। जो कॉस्ट आपको आज 10 लाख है वो हो सकता है जिस समय आपको वो पैसा चाहिए उस समय वो 25 लाख हो या 50 लाख हो या 1 करोड़ हो या 40 लाख हो। गोल पे डिपेंड करता है, गोल के इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन को नजरअंदाज ना करें, प्रेजेंट को तो एंजॉय करें ही जैसे पंकज जी ने बताया, लेकिन बेटर फ्यूचर के लिए इन्फ्लेशन को जरूर अकाउंट करें अपनी प्लानिंग में और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। चलिए तो इन्हीं दोनों नायाब निवेश गुरु मंत्र के साथ शो को समाप्त करते हैं। अमित आपका, पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और मुझे भी आज के शो में इजाज़त दे। लेकिन जाते जाते हर रोज़ की तरह वो नंबर छोड़े जा रही हूँ जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ इस नंबर के जरिए। और अगर सवाल लिख कर नहीं भेजना चाहते कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए। जी हाँ, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाजत, नमस्कार।